सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सिद्धांत पुरोथी आप सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत राग के बारे में, जिस राग का नाम है राग पुरियथनाश्री, जो कि बहुत ही प्रचलित राग है, बहुत सुंदर राग है, बहुत फेमस है और अधिकतर लोग इसको जब भी सुनते हैं तो ये उनके लिए बहुत प्रिय हो जाता है। और इस राग की यही खास बात है कि बहुत सुंदरता के साथ अगर इसको गाया जाए तो इसका मज़ा ही कुछ और आता है। ये जो राग है पुरियथनाश्री, ये दो रागों के मेल से बनाया गया है। देखिए, जो सबसे पहला राग है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है इसके बारे में कि दो रागों के मेल से है। इसमें जो पहला राग है वो है राग पुरिया और जो दूसरा राग है वो है राग धनाश्री। जो राग पुरिया है, पुरिया के अनुसार इसमें ग और नी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि जो राग पुरिया है उसमें ग और नी पर ज़्यादा न्याज दिया जाता है बजाय बाकी स्वरों के। उसके अलावा जो राग धनाश्री है, अब राग धनाश्री में एक और जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि ये अलग अलग अंदाजों से गाया जाता है। एक राग जो धनाश्री है वो है थाट काफी के अंग से और एक जो धनाश्री है वो है थाट भैरवी के अंग से। तो ज़्यादातर फेमस वही दोनों धनाश्री का प्रकार है, एक जो काफी से और जो दूसरा जो है भैरवी से। मगर इसमें जो धनाश्री है वो है थाट पूर्वी अंग से। अब थाट पूर्वी अंग से जो धनाश्री है वो रामपुर में ज़्यादा गाया जाने वाला राग है, यानी कि रामपुर सेसवान घराने के हिसाब से उनमें उनके घराने में ये इस तरीके से धनाश्री को ज़्यादा गाया जाता है और उसी जगह के हिसाब से वो ज़्यादा फेमस है। तो ज़्यादा लोग धनाश्री के बारे में थोड़ा सा कम जानते हैं, तो इसमें आप इसी को लेकर कभी कंफ्यूज ना हुए अगर आप, क्योंकि जैसे कभी कभी हम कोई ट्यूटोरियल देखते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन सोचते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं कि राग पुरिया के बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है और धनाश्री के बारे में आपको थोड़ी सी अलग मिल रही है कि वो कभी काफ़ी से है, कोई भैरवी से है। तो इसलिए मैंने आपको ये ज़रूरी समझा कि मैं आपको क्लियर करूँ कि जो धनाश्री है ये पूर्वी थाट के अंग से है, तो इसके हिसाब से इसमें पंचम को ज़्यादा, जो पूर्वी थाट से जो धनाश्री राग है उसमें पंचम पर ज़्यादा फोकस दिया, यानी कि प पे ज़्यादा न्याज दिया जाता है। तो उसके अनुसार इसका जो एक नाम डिसाइड हुआ वो हुआ राग पुरियथनाश्री। तो ये जो राग पुरियथनाश्री है ये है थाट पूर्वी से, तो निश्चित तौर पर इसमें रे कोमल लगता है, ध भी कोमल लगता है और साथ ही साथ में इसमें तीव्र म लगाया जाता है और अन्य स्वर जो बचे ग और नी वो शुद्ध लगाए जाते हैं, सा और प शुद्ध ही होते हैं, उसके कोई वेरिएशन नहीं होते। तो इस अनुसार इसको गाया जाता है। अगर आप थाट के बारे में नहीं जानते हैं तो ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो सिंपली वहाँ पर आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो आएगा, आप नज़र डालते हैं इसकी कुछ डिटेल्स की तरफ। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे टॉप पर लिखा है राग पुरियथनाश्री, उसके बाद उसका थाट, आरोह अवरोह पकड़, वादी संवादी जाति गायन समय और उसके न्यास का स्वर। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इन सभी डिटेल्स को नोट कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड आगे मैं जो भी बात करूँ तो आप उसको इजीली समझ पाएँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इन सभी डिटेल्स को लिख लिया होगा। तो आइएगा सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, राग पुरियथनाश्री के बारे में मैं आपको ऑलरेडी कुछ बता रहा हूँ, थाट के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक मेरी वीडियो बनाई जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद आरोह अवरोह पकड़ का मतलब, देखिए आरोह और अवरोह का मतलब आपको मालूम है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को बोला जाता है और उसका उद्देश्य क्या है, या पकड़ किसे कहते हैं, या वादी संवादी जाति गायन समय, इन सब का मतलब क्या होता है, वो भी ऑलरेडी मैंने एक ट्यूटोरियल में बताया जिस ट्यूटोरियल का नाम है राग भूपाली इंट्रोडक्शन। तो उस ट्यूटोरियल में मैंने बहुत ही डिटेल में समझाई हुई है सारी की सारी चीज़ें। दो ट्यूटोरियल है, राग भूपाली इंट्रोडक्शन और राग भूपाली छोटा ख्याल, इन दोनों में मैंने बहुत डिटेल्स बताई हैं, तो मैं अभी दोबारा बताकर वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। उन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप सिंपली वहाँ पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो आइएगा, आप सिंपली जानते हैं कि इसका आरोह अवरोह पकड़ किस तरीके से गाया जाए, मगर बस सिर्फ एक चीज अभी जो आपको जानने की जरूरत है वो है इसके न्यास के स्वर के बारे में, जो कि है सा ग प और नी। जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं, न्यास का मतलब होता है उस पर ज्यादा ठहराव देना। तो इस आरोह अवरोह पकड़ में, यानी कि इस पूरे राग में जितनी बार भी आपको सा ग पानी मिलता है, जब हम इसका स्वर विस्तार करेंगे आने वाली वीडियो में, या जब हम इसका आरोह अवरोह पकड़ गएंगे, या इसके बोल मतलब कोई भी बोल अलाप वगैरह या कोई भी वेरिएशन करेंगे, तो हमने उसमें खास न्यास का बड़ा ख्याल रखना होता है, जिसकी वजह से राग को और भी खूबसूरती से सजाया जा सकता है। मैं और भी की जगह बोलूंगा कि एग्जैक्टली उसको खूबसूरती से सजाया जा सकता है। तो आइएगा आप देखते हैं कि इसका आरोह अवरोह किस तरीके से गाया जाए।
कि इस राग का जो आरंभ है वो हमेशा नी से ही किया जाता है, हालांकि इसका जो वादी स्वर है वो है प और समवादी है सा, तो बट इसका जो उसूल है और जो इसकी मेन खूबसूरती है वो इसी बात पर आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था दो रागों से मिलन है इसका पूर्या और धनाश्री, तो पूर्या में हमेशा ही जो इसका उठान होता है वो होता है नी से, तो इसका आपने बड़ा ख्याल रखना है। देखिए किस तरीके से हमेशा इसका उठान होगा, वाई का देखते हैं पकड़ किस तरीके से गाई जाए। सकते हैं कि इसके जो प्राण है जो इसकी जान है वो एक फ्रेज है, देखिए वो बहुत खूबसूरत, अगर आप वो फ्रेज लेते ही नहीं है तो राग पूर्या धनाश्री कभी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इंपॉर्टेंट स्वर है और बहुत ही खूबसूरत है, तो इस तरीके से इस राग को सजाया जा सकता है। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, सो इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, नमस्कार।